मैं करवाने वाली हूँ जेल नेल्स ऑन माय नेचुरल नेल्स. आई वांट फ्रॉम जेल नेल्स आई वांट रोज गोल्ड एंड गोल्ड का मिक्स. ये पहले भी मैं करवा चुकी हूँ, काफी लॉन्ग लास्टिंग था और डिफरेंट डिफरेंट आउटफिट को भी कॉम्प्लीमेंट कर रहा था. सो दीज आर द बिफोर. मैंने अभी भी थोड़े छोटे छोटे काट दिए उनको. तो काफी रिव्यूज पढ़ने के बाद आई वेंट टू नेल्स फादर फाबुला इन ओबेरॉय मॉल. आई होप आई एम प्रोनाउंसिंग देयर नेम करेक्टली. तो सबसे पहले उन्होंने मेरे नेल बेड को क्लीन किया एंड देन शेप दिया नेल्स को. आई वेंट फॉर ओवल शेप, देन शी अप्लाइड क्लियर बेस कोट, उसे क्योर किया, फिर पिंक कलर का बेस कोट अप्लाई करके उसे क्योर किया. अब अप्लाई होगा क्रोम डस्ट. आई टोल्ड हर नेल वेस्ट और टिप ऑफ द नेल पे मुझे रोज गोल्ड कलर चाहिए और बीच बीच में मुझे रोज गोल्ड और गोल्ड का कॉम्बिनेशन चाहिए. यू नो, जब ये कॉम्बो मैंने उन्हें सजेस्ट किया, शी वाज टेलिंग मी किसने आज तक करवाया नहीं एंड पीपल वर कमिंग एंड लुकिंग एट माय नेल्स की काफी डिफरेंट और यूनिक लग रहा है एंड समथिंग दैट दे कैन सजेस्ट टू देयर कस्टमर एज वेल. क्यूटिकल आई लगाने के बाद दिस इज द फाइनल रिजल्ट. आई लव दिस डुओ क्रोम नेल्स. इट्स सो सिंपल, क्लासी एंड लुक्स नेचुरल एज वेल. टाइम टू डू पैरों के नेल्स, जो मैंने घर आके ही किया. जो ऑलरेडी नेल पेंट लगा के मैंने रखा हुआ था उसे मैंने सबसे पहले रिमूव किया. फॉर दैट आई एम यूजिंग एसीटोन फ्री नेल पेंट रिमूवर एंड देन मैंने टिप को थोड़ा शॉर्ट किया बिकॉज काफी लंबे हो रहे थे मेरे नेल्स. पैरों के नेल्स को शेप ऐसा कुछ दिया नहीं बट नेल फाइलर की मदद से फाइल किया नेल बेड को. देन आई अप्लाइड द नेल पेंट कलर लैक्मे ट्रू वेयर कलर क्रश नेल पेंट इन द शेड 202. इट्स अ वेरी ब्यूटीफुल न्यूट्रल क्रोम नेल पेंट. मैंने इस नेल पेंट के दो कोट अप्लाई किए और आपको पता है जितनी बार भी मैंने इसको अप्लाई किया है ना, मुझे इतने क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि शालिनी कौन सा कलर आपने अप्लाई करके रखा हुआ है. दिस इज द सीक्रेट, दिस इज द नेल कलर. क्यूटिकल ऑयल तो नहीं था बट आई अप्लाइड दिस यूरिया क्रीम. ये काफी अच्छे से स्किन को मॉइस्चराइज रखता है. हाथों का नेल कलर पैरों के नेल कलर से काफी कुछ मिलता जुलता हो गया है एंड दिस इज अ वेरी लॉन्ग लास्टिंग कलर एंड फॉर्मूला. I went for 90s style and inspired haircut. मैं आपको डिटेल में समझाऊंगी क्या जाके मैंने अपने हेयर स्टाइलिस्ट को बोला. तो सबसे पहले उन्होंने मेरे हेयर को वॉश किया एंड देन ही स्टार्टेड कटिंग माई हेयर. लॉन्ग फाइन हेयर बट देर इज नो टेक्सचर ऑन माई हेयर. सो टू एड सम टेक्सचर आई आस्क्ड हिम टू डू 90s style टू लेयर हेयर कट फ्रॉम द बैक. इस लेयर के चक्कर में काफी बाल मेरे कटे हैं बट इन द एंड रिजल्ट काफी अच्छा दिखेगा आपको. और फ्रंट सेक्शन में आई आस्क्ड हिम टू डू फेस फ्रेमिंग विद लॉन्ग कर्टन बैंग्स विच आई ऑलरेडी हैड एक्चुअली, क्योंकि मैंने खुद के अपने कर्टन बैंग्स बाल काटे थे. एंड देन ही ब्लो ड्राइड माई हेयर. बाय द वे दिस हेयर कट कॉस्टेड मी 1500 रुपीज इंक्लूडिंग हेयर वॉश. एंड आफ्टर ही ब्लो ड्राइड माई हेयर दिस इज वॉट माई हेयर स्टाइल एंड हेयर कट लुक्स लाइक. लुक एट दैट बाउंस फ्रॉम द बैक एंड दैट टेक्सचर्ड फ्रॉम द बैक, दैट इज वॉट आई वॉन्टेड. मैं पोनी टेल भी बनाती हूँ ना तो मेरे बाल एकदम घने घने और बाउंसी दिखते, काफी अच्छे दिखते हैं. एंड लेट मी टेल यू दिस वन ऑफ द बेस्ट हेयर कट्स दैट आई एवर गॉट. सो दिस इज अ चार्जेबल वायरलेस फ्री एपिलेटर दैट आई गॉट फ्रॉम अमेजोन और ये बहुत ही सही काम करता है. सो मेरे ना काफी छोटे छोटे बाल थे ऑलरेडी, 10 दिन पहले वैक्सिंग कराया था. सलोन जाके रिका वैक्स कराने का कोई फायदा नहीं था क्योंकि बाल निकलते ही नहीं. सो आई एम यूजिंग एपिलेटर एंड आई हैव अ गुड पेन टॉलरेंस. एपिलेटर से पेन होता है, इट्स जस्ट लाइक वैक्सिंग क्योंकि रूट से बाल निकलते हैं इसमें. सो हाथों के बाल करने के बाद मैंने पैरों के बाल किए और काफी छोटे छोटे से एकदम फाइन फाइन से हेयर भी इससे निकल के आ जाते हैं. आई फील लाइक दिस इज So great for traveling, especially if you're going for a long trip and you know ki bahar jaake to aap wax nahi kar paoge, but yes you have to have a good pain tolerance. Aur isse maine apne underarm ke hairs bhi nikale the, chote chote fine hair the to easily nikal gaye the. And also I just want to clear it out just because I'm showing removing body hair or facial hair, it does not mean that you have to. If you're okay with your own body hair, you do you. Epilator use karne ke baad post care mein maine wahi urea cream use kiya. This is a really good antifungal antibacterial cream aur काफी अच्छे से स्किन को हाइड्रेट कर देता है ये. मेरे आईब्रोज ऑलरेडी शेप में है, मुझे बस एक्सेस रिमूव करना है और मुझे लॉन्जिविटी चाहिए ताकि मुझे बार बार आईब्रो को शेप ना करना पड़े, इसलिए मैं वैक्स करूंगी. आईब्रो पेंसिल की मदद से पहले शेप दिया, प्रोमिनेंटली शेप दिखना चाहिए, फिर आईब्रो मस्कारा से सेट कर दिया एंड देन आई विल स्टार्ट यूजिंग द वैक्सिंग स्ट्रिप्स. मैंने दो पार्ट में वैक्सिंग स्ट्रिप को काटा एंड जो भी एक्सेस हेयर थे ना आईब्रो के ऊपर उसको मैंने प्रेस करके रिमूव कर दिया, काफी ईजिली रिमूव हो जा रहे थे. अब आईब्रो आकिरा के बाल को निकालने के लिए सबसे पहले मैंने आइस एलोवेरा जेल अप्लाई किया, फिर आईब्रो रेजर की मदद से एक्सेस बाल निकाले. और आपको पता है आईब्रोज जब अच्छे से शेप हो जा रहे तो इंस्टेंटली डिफरेंस भी दिख जाता है फेस पे एंड दिस इज द फाइनल रिजल्ट. व्हाट डू यू थिंक?
Now it's time to shave my face. So I have PCOD, जिसकी वजह से मुझे facial hair आते हैं. Shaving my face is a huge part of my glow up routines. So face को wash करने के बाद फिर मैंने aloe vera gel apply किया as a lubricant all over my face. This is one of the best quality aloe vera gel that I've used on my face. It's gonna act as a lubricant. फिर razor की मदद से मैं नीचे से ऊपर अपने बालों को shave करूंगी, especially for the neck area. Usually ऐसा नहीं करना चाहिए, but because I have extremely thick hair और वो बहुत छोटे छोटे से भी दिख रहे होंगे आपको, अगर मैं इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ करने की कोशिश करती हूँ ना, तो अच्छे से शेव नहीं हो पाता, स्पेशली फॉर द नेक एरिया एंड द चिन एरिया. बट फॉर द रेस्ट ऑफ द फेस आई विल बी गोइंग इन द डायरेक्शन ऑफ द हेयर ग्रोथ. और क्योंकि मैं एवरी थर्ड डे शेव करती हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया, काफी छोटे छोटे बाल अभी आपको दिख रहे होंगे. वन अगर मैं अपने बालों को ऐसे छोड़ दूंगी ना फेशियल हेयर को, तो काफी ज्यादा लंबी ग्रोथ दिख जाती है. पोस्ट केयर में मैं आइस फेशियल करूंगी. दिस रियली हेल्प्स टू काम डाउन माई फेस एंड ब्रिंग्स डाउन द इन्फ्लेमेशन, या फिर रेजर बम से भी प्रोटेक्ट करता है मेरे फेस को. लास्टली आई अप्लाइड सम मॉइस्चराइजर विच हैज नाइसिनमाइड इन इट, एंड लुक हाउ क्लीन एंड ग्लोई माई स्किन इज लुकिंग. एंड दिस इज द ग्लो अप दैट आई डिड फॉर माई इंटरनेशनल बर्थडे ट्रिप. आई रियली होप यू गाइस एंजॉयड इट. बाय.